मित्रों, हिंदू धर्म शास्त्र गरुड़ पुराण मनुष्यों को सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें बताया गया है कि कौन सा कर्म करने पर मनुष्यों को दंड स्वरूप किस नरक में और कितनी सजा भोगनी पड़ेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण में ही कुछ ऐसे कर्मों का भी उल्लेख मिलता है जिनका त्याग करने वालों को निश्चित ही नरक की यात्रा करनी पड़ती है। तो आखिर कौन से हैं वो कर्म जिन्हें भूलकर भी हमें त्यागना नहीं चाहिए, आइए जानते हैं मिलकर हमारी आज की इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। पहला कर्म। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार इस संसार में जन्म लेने वाले हर मनुष्य के अपने और अपने परिजनों के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं। भगवान के कुछ आदेश होते हैं जिनका हर मनुष्य को पालन करना चाहिए। हमारे धर्म शास्त्रों में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि मनुष्य का जन्म किसी न किसी उद्देश्य से हुआ होता है, और जो मनुष्य अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं करता, अपने कर्तव्यों का परित्याग करता है, भगवान के आदेश को नहीं मानता और धर्म प्रथाओं का उल्लंघन करता है, उसे मृत्यु के बाद असीत पात्र नाम के नरक में जाना पड़ता है, जहाँ उसे चाबुक और धारदार चाकुओं से तब तक मारा जाता है जब तक वो बेहोश न हो जाए। दूसरा कर्म। मित्रों, हिंदू धर्म में माता पिता की सेवा करने को सत्कर्म बताया गया है, और जो मनुष्य इस कर्म का त्याग करता है, माता पिता और बड़े बुजुर्गों का अपमान करता है, उन्हें तरह तरह के कष्ट देता है, उसे मरने के बाद काल सूत्रम नाम के नरक में सजा भोगनी पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे व्यक्ति को इस नरक में गर्म और तपती जमीन पर दौड़ाया जाता है और वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसा उसने अपने माता पिता और बुजुर्गों के साथ किया हो। इसके अलावा गरुड़ पुराण के अनुसार जो बुजुर्गों को बदनाम करते हैं और अच्छे लोगों का अपमान करते हैं, उन्हें शार कर्मम नामक एक नरक में उल्टा करके बुरी आत्माओं द्वारा कई तरह की यातनाएं दी जाती हैं। तीसरा कर्म। मित्रों, प्रेम को सागर में ईश्वर का दूसरा रूप कहा गया है। सच्चा प्रेम वो है जो भगवान कृष्ण ने राधा से किया या फिर भगवान राम ने माता सीता से। लेकिन अगर प्रेम मर्यादा नीतियों और रिश्तों को ताक पर रखकर किया जाए तो उसे प्रेम नहीं एक पाप बताया गया है, और हिंदू धर्म में ऐसा करने वाले को घोर पापी। गरुड़ पुराण के अनुसार जो भी मनुष्य अपनी पत्नी या फिर पति के साथ ईमानदारी से नहीं रहते, दूसरों के साथ संबंध बनाते हैं, ऐसे लोगों के लिए यमराज ने बड़ा ही कठोर दंड निर्धारित किया है। ऐसे स्त्री और पुरुष की जीवात्मा को अंधमित्रम नाम के एक नरक में दहकते लोहे के खंभे का आलिंगन करवाया जाता है। चौथा कर्म। मित्रों, सहायता ही सर्वोपरि धर्म है, और सनातन धर्म तो हमेशा से ही गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए कहता है। जो लोग संसाधन होने के बावजूद जरूरतमंदों की मदद नहीं करते, गरीबों पर अत्याचार करते हैं, उन्हें भी गरुड़ पुराण के अनुसार एक पापी बताया गया है, जिन्हें पाप भोगने के लिए अंधकूपम नाम के एक नरक में जाना पड़ता है। इस नरक में पापी आत्मा को जंगली जानवरों से भरे एक कुएं में फेंक दिया जाता है, जहाँ शेर, बाघ, बाज, सांप और बिच्छू जैसे कई विषैले और खतरनाक जानवर होते हैं। ये उस जीवात्मा को तब तक नोचते हैं जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती। पांचवा कर्म। हिंदू धर्म के अनुसार एक अच्छा मनुष्य उसे ही माना गया है जो धर्म का पालन करता हो। मित्रों, यहाँ धर्म से हमारा मतलब सिर्फ पूजा पाठ या फिर भक्ति से ही नहीं बल्कि नैतिकता से भी है, जैसे गुरुजनों की सेवा करना, मेहमानों का सत्कार और गरीबों की सहायता। ये वो छोटे छोटे लेकिन बेहद जरूरी कर्म है जो हर मनुष्य को अपने जीवन में करते रहने चाहिए, और इन कर्मों के त्याग से उसे नरक की सजा भोगनी पड़ सकती है। तो मित्रों, उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि गरुड़ पुराण के मुताबिक वो कौन से पांच कर्म हैं जिन्हें आपको कभी त्यागना नहीं चाहिए। आज की ये प्रस्तुति कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ साझा भी अवश्य करें। ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।